औद्योगिक नगरी पीतमपुर के नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सुबह योग और मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तीनों थानों का समस्त स्टाफ, बैंक कर्मी और पीतमपुर के पत्रकार मौजूद थे। जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में यह शिविर आयोजित किया गया। वहीं इस आयोजन का मकसद स्टाफ को तनाव मुक्त एवं स्वस्थ वातावरण देना तो है, साथ ही जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए योग एक सरल उपाय है। हमें आपको आजमाना चाहिए, इसलिए मेरे कार्यालय पर प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक नियमित योग की क्लास लगती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर योग सीख सकता है। वहीं राष्ट्रीय योगा एसोसिएशन की सदस्य श्रीमती अल्पना समीर पांडे ने बताया कि योग से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। आप बहुत मीठा बोलते हैं, आप हमेशा सफल रहो, आप हमेशा सफल रहो, आप हमेशा खुश रहते हो, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हो, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। आप पीथमपुर विभाग के सभी कर्मचारियों को योगा और मेडिटेशन तथा नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए एक यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशानुसार रखा गया था, जिसमें कम से कम 70-80 आदमी शामिल हुए। योगा के लिए अल्पना समीर पांडे, जो योगा की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम से 2 बहनें अब ये कार्यक्रम संचालित कराएं, और इसमें TI लोकेश भदौरिया और TI राजन भदौरिया, ये दोनों उपस्थित रहे, पूरा स्टाफ रहा। मैं आशा करूंगा कि इस योगा और मेडिटेशन कार्यक्रम से अपना स्टाफ काफ़ी लाभान्वित होगा। इसका सर क्या उद्देश्य रहा है सर? मूल इसका मुख्य उद्देश्य बॉडी का मेटाबॉलिज्म और दुर्गुण दूर करने का एक उपाय। सर किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और निगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी की ओर जाएं। का जो योग सेशन रहा, श्री बघेल जी ने मुझे इनवाइट किया था योगा सिखाने के लिए, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने योग सीखा पूरे उत्साह से। ये जो एक शुरुआत हुई है योग सीखने की, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जिसके कारण ये लोग बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हर रोज़ योग करने से ना सिर्फ ये बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे शरीर से, बल्कि मन से भी स्वस्थ होंगे, स्ट्रांग बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मैं चाहती हूँ इसको आगे ले जाना। मेरे इस तरह की योग के सेशन बहुत हुए, बहुत सारे मैंने कैंपेन किए, ये मेरा 238वां कैंप था। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे पूरी दुनिया, पूरा विश्व आज योग को अपना रहे, और हमारे ही देश में कुछ अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयरनेस मैं लाना चाहती हूँ लोगों में। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग योग सीखें, तन से और मन से स्वस्थ रहें। मैम किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा यही मैसेज है कि जिस तरह पूरा विश्व योग को अपना रहा है, हम सभी योग को अपनाएं, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जीवन में अनुशासन लाए, स्वस्थ रहे मन से तन से दोनों से, यही मेरा संदेश है। मैम नाम बताइए। मेरा नाम अल्पना पांडे, इंदौर मध्य प्रदेश की निवासी, GACC से मैंने योग में MA किया है। इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं मैंने गोल्ड मेडल जीता है उसमें। आज मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स UK, USA, UAE सभी जगह से मेरे स्टूडेंट्स हैं, और कई जो ऐसे हैं जो योग नहीं सीख पाते, मैं उनके पास जाके भी उनको योग सिखाती हूँ। मेरा उद्देश्य जीवन में बस यही है कि हर व्यक्ति जीवन में योग को अपनाए। तो अगर आपको भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो योग में, तो निसंदेह आप कभी भी निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, बघेल सर से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।